सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज राजीव रंजन एंड यू वाचिंग द एविएशन माइंड। सो गाइज, आप में से बहुत सारे लोग अभी सुन रहे होंगे कि इंडिगो के एंड और भी बहुत सारे एयरलाइंस के टेक्नीशियंस एमी फील्ड को छोड़ रहे हैं और वो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन और टेक्निकल पब्लिकेशन ज्वाइन कर रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या रीजन है और ये जेन्युइन है? करीब 30-40 टेक्नीशियंस हैदराबाद बेस्ड से छोड़े हैं जो कि इंडिगो में अपॉइंटेड थे और भी बहुत सारे एयरलाइंस में अपॉइंटेड थे। तो आखिर इंडिगो जैसे एयरलाइंस जिसका बहुत सारे आप में से फ्रेशर्स लोग हैं, आप में से सपना होता है कि इंडिगो जैसे एयरलाइंस में टेक्नीशियन बनना, जूनियर टेक बनना, लेकिन जब बने हुए हैं तो उसको छोड़ के टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन और टेक्निकल पब्लिकेशन में आखिर जाने का क्या रीजन है? तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में देखेंगे फुल डिटेल में। तो देखो, आप में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हो कि भाई एविएशन में 2022 में आना सही है, एविएशन ज्वाइन करना सही है, एमी ज्वाइन करना सही है या नहीं है। तो उसका मैं कहीं ना कहीं आंसर आज के इस वीडियो में भी देने वाला हूं और इससे मैं रिलेट करूंगा कि क्यों वो लोग छोड़ रहे हैं। देखो, जैसे मतलब है कि आज से करीब 2 साल पहले कोविड आया था और कोविड की वजह से सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री अफेक्टेड हुआ था वो एविएशन इंडस्ट्री था। जी गाइस, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, बहुत सारे लोगों के जॉब्स गए, चाहे आप इंडिगो में काम कर रहे हो, चाहे आप गो एयर में काम कर रहे हो, चाहे आप जेट एयरवेज, तो खैर डूबी गई, और भी बहुत सारे एयरलाइंस में काम कर रहे हो, उससे मैटर यहाँ पे नहीं है। हालांकि कोरोना से तो और भी सेक्टर्स इफेक्टेड हुए हैं, बट सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड हुआ है वो एविएशन सेक्टर। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को ये जो मेरा बात है वो कड़वा लग रहा होगा, या आप नेगेटिविटी दे रहे हो, आप पॉजिटिविटी नहीं दे रहे हो। तो यार, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो लोग 8000 लोग जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनको पता होगा कि मैं जो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव चीज पे फोकस करता हूं, अगर कुछ चीज नेगेटिव दिखता है तो नेगेटिव चीज पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप किसी भी चीज का पॉजिटिव साइड देखोगे और नेगेटिव साइड नहीं देखोगे तो आप, इसका मतलब आप अंधकार में जा रहे हो, इसका मतलब यही होता है। और आप में से बहुत सारे लोग ये भी सुन रहे होंगे कि इस कंपनी से लीव विदाउट पे भेज दिया गया या उसको जॉब से निकाल दिया गया ड्यू टू कोविड। तो एविएशन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा लॉस में गया, इससे क्या हुआ, एयरलाइंस को लॉस होने लगा। और ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी एयरलाइंस को अगर लॉस होगा तो एयरलाइंस को अगर लॉस हो रहा है, एयरलाइंस का टिकट प्राइस में ग्रोथ नहीं हो रहा है, पैसेंजर्स नहीं आ रहे हैं, उनका उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पा रहा है, तो ऐसी बात है कि एविएशन सेक्टर में आपका भी ग्रोथ रुक जाएगा। बिकॉज आपका जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है आपके एयरलाइंस पे, आपके जहाज पे। अगर आपके जहाज कंटिन्यूअसली उड़ रहे हैं तब आपका भी ग्रोथ का चांस है, अगर आपका कंपनी ग्रोथ कर रहा है तो आपका भी ग्रोथ का चांस है। तो वही हुआ, 2-3 साल होने वाला है अभी, और जो टेक्नीशियन जिस लेवल पे थे उसी लेवल पे सैलरी ले रहे थे, यानी कि अगर जिनका सैलरी 20,000 है 20,000 पे ही 3 साल तक काम कर रहे हैं, जिनका सैलरी 25,000 है वो 25 पे ही काम करे, इसका 40 है वो 40 में ही काम कर। हालांकि टेक्नीशियन का जो हाईएस्ट सैलरी होता है वो 30 के आसपास होता है, उनका ग्रोथ नहीं हो रहा था। और वही अगर मैं बात करूं टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन की, बिकॉज अभी बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो वैकेंसीज निकाल रही हैं और स्पेशली उसमें मेंशन होता है एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट और एमी डिपार्टमेंट भी उसमें मेंशन होता है। और यही रीजन है कि लोग इसके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिकॉज पहले क्या था, अगर आप एमी कोर्स कर रहे हो तो एमी कोर्स करने का मतलब था कि आप सिर्फ एमी में रह सकते हो, यानी कि आप सिर्फ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में रह सकते हो, आप कहीं और स्विच नहीं कर सकते हो। बट धीरे धीरे बहुत सारे सेक्टर्स को, जो आईटी सेक्टर है, जो एरोनॉटिक सेक्टर है, जो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन फील्ड है, जो टेक्निकल मैनुअल्स बनाते हैं, इस तरह के फील्ड है, उनको भी अवेयर हो रहा है, उनको भी पता चल रहा है कि ये जो मैन पावर है ये काफी स्किल्ड होते हैं, जहाज पे काम किए हुए हैं, तो इनको अगर हम लोग लेंगे तो ट्रेनिंग कम देना पड़ेगा, बहुत जल्द ये लोग सीख जाएंगे जहाज का जितना भी डिजाइनिंग है, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है। तो इसके वजह से, और एट द सेम टाइम आपको क्या चाहिए, अपने कैरियर में ग्रोथ चाहिए, तो इंडिगो से, गो एयर से, विस्तारा से अगर आपको वहां पे डबल ट्रिपल या कहें कि 4 गुना अगर ग्रोथ मिलता है या 3 गुना ग्रोथ मिलता है, अगर 2 गुना भी ग्रोथ मिलता है तो आप क्यों नहीं जाओगे, आप ये बताओ सबसे पहले। बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग फॉर मनी, तो आखिर जहां पे कैरियर ऑप्शन ज्यादा है, जहां पे ग्रोथ ज्यादा है, तो वहां पे लोग क्यों ना जाएं? तो इसका जो लास्ट आंसर है वो ये है कि ओनली ड्यू टू कैरियर ग्रोथ दे आर स्विचिंग देयर फील्ड। तो गाइस, यही था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। अगर आप चाहते हो कोई भी क्वेश्चन पूछना, कोई भी डाउट है आपको इस वीडियो से रिलेटेड या प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड, तो प्रीवियस वीडियो में आप में से बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हो कि पार्लियामेंट में जो इशू है उसको रेज करने से उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आखिर क्यों नहीं पड़ेगा। बिकॉज हर चीज का एक पॉइंट होता है, हर चीज का एक इशू होता है, तो अगर विदाउट पॉइंट कोई चीज बात करता है तो वो इररिलेवेंट है, बट विथ पॉइंट अगर बात किया जाए, पार्लियामेंट हो या कहीं और हो,
तो वो इफेक्टिव होता है कहीं ना कहीं। बट द मेन थिंग इज दैट कि बात करना जरूरी है, उस पॉइंट को उठाना जरूरी है। अगर उस पॉइंट को उठाएंगे नहीं देन उस पर एक्शन होगा नहीं। तो ये जो आप में से भाई कमेंट किए हो कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है या कोई फायदा नहीं है, तो ये गलत है। मैं इसके ऊपर आपको जवाब दूंगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कोई भी क्वेश्चन पूछना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे मुझे भी आइडिया लगता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप क्या सोच रहे हो। बिकॉज मैं तो यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, तो जो मेन थिंग ये है कि आपका भी आउटकम आना चाहिए, यानी कि आप क्या सोच रहे हो वो भी मुझे पता चलना चाहिए, ताकि और भी फ्यूचर में मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊं। सो अगर आपको डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, कुछ अगर क्वेश्चन पूछना है प्रीवियस वीडियो की तरह, तो आप कमेंट कर सकते हो। सो यार यही था हमारा आज का वीडियो, और मिलते हैं किसी नया और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू डेवलप, प्लीज डोंट ट्रबल एनीबडी, सी यू, जय हिंद।